हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। एक्सप्लेन चैप्टर द प्लेन। सो स्टूडेंट्स, जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जर्नल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। देखिए स्टूडेंट, जर्नल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्लेन है। उस प्लेन में टू पॉइंट ए एंड बी एक्सप्लेन किए गए हैं। इनके बीच में एक लाइन है जो ये एम वन और एम टू रेशियो में डिवाइड हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर एक्स वन बाय वन, जेड वन, एक्स टू बाई टू, जेड टू। देन पुटिंग द वैल्यू एक्स वन बाई वन, जेड वन इन इक्वेशन वन। देन ए एक्स वन यहाँ पुट कर दिया, एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन, ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। और पुटिंग एक्स टू कॉमा वाई टू जेड टू, देन ए एक्स टू प्लस वी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाई एम टू एंड इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाई वाई एम वन। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन है जो एम वन और एम टू रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो यानी कि एम वन मल्टीप्लाई बी पॉइंट के लिए और एम टू मल्टीप्लाई वाई ए पॉइंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, ए एम टू एक्स वन प्लस वी एम टू वाई वन प्लस सी एम टू जेड वन प्लस डी एम टू इज इक्वल टू जीरो, ए एम वन एक्स टू प्लस वी एम वन बाई टू प्लस सी एम वन जेड टू प्लस डी एम वन इज इक्वल टू जीरो, एडिंग अवयव इक्वेशन। सो ए एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू प्लस वी एम टू वाई वन प्लस एम वन बाई टू। प्लस सी एम टू जेड वन प्लस एम वन जेड टू प्लस डी एम वन प्लस
एम टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड एडिंग, देन इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन फोर डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू ये हो जाएगा ए, एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू डिवाइड बाय क्या जाएगा, एम वन प्लस एम टू यहाँ डिवाइड कर दिया, प्लस बी एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, प्लस सी एम टू जेड वन प्लस एम वन जेड टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, प्लस डी एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये एम वन एम टू से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका वन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वन हो जाएगा, तो यानी कि प्लस D इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर फाइव, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फाइव, देन देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन वन और फाइव की क्या कर देंगे हम, इक्वेटिंग। तो देखिए इक्वेटिंग करने पर क्या है, इक्वेटिंग किसकी होगी, एक्स कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट एंड z कोएफिशिएंट के टर्म हमको फाइंड करने हैं। तो इक्वेटिंग में क्या आएंगे हमारे, a कोएफिशिएंट, v कोएफिशिएंट और c कोएफिशिएंट, देन x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2, m1 x2 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, वाई टू इज सॉरी वाई इज इक्वल टू एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, जेड इज इक्वल टू प्लस एम टू जेड वन प्लस एम वन जेड टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। और स्टूडेंट्स डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, दिस कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ जर्नल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन सो इक्वेशन वन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाई डी ऑफ अबव इक्वेशन, उपरोक्त इक्वेशन से क्या कर रहे हैं को डी से डिवाइड करते हैं, तो ए अपॉन डी एक्स प्लस वी अपॉन डी वाई प्लस सी अपॉन डी जेड प्लस डी अपॉन डी इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो पी बराबर ए अपॉन डी, क्यू बराबर वी अपॉन डी, आर इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो सो स्टूडेंट द जर्नल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये आपकी जर्नल इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन नंबर टू, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ
प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म हमको फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमको, जर्नल इक्वेशन स्टूडेंट्स ऑफ प्लेन। तो लिखिए वी नो दैट जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और कैपिटल फॉर्म में कर लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। लेट इंटरसेप्ट ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ए कॉमा बी कॉमा सी ऑन द एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ लेंथ ओ ए ओ वी एंड ओ सी। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इंटरसेप्ट क्या है यहां से यहां तक ए, दैट फॉर ये क्या है सी, ये क्या है आपका, तो देखिए ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट आपका वी, ये पॉइंट आपका सेंटर ओ। तो इसके स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हमने इंटरसेप्ट ए कर रहा है, ये आपका सी और ये क्या स्टूडेंट आपका वी। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा वी कॉमा जीरो। सो द कोऑर्डिनेट ए ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो एंड वी जीरो कॉमा वी कॉमा जीरो एंड सी जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू ए वी और सी कोऑर्डिनेट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, putting the coordinate a comma 0 comma 0 in equation 1, then यहां रख दें x की वैल्यू क्या है a, y की वैल्यू क्या है 0, z की वैल्यू क्या है 0, a plus v 0 plus c 0 plus d is equal to 0। देखिए स्टूडेंट्स, a plus d is equal to 0, a is equal to minus d upon a, putting the coordinate 0 comma v comma 0 in equation 1, a की value क्या है 0, sorry x की value 0, y की value v और c की value 0, a 0 plus v plus c 0 plus d is equal to 0, so v plus d is equal to 0, v बराबर minus d upon v। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू फाइंड हो गई और बी की वैल्यू, तो सिमिलरली जेड एक्सिस
जेड एक्सिस, तो क्या हो जाएगी आपकी सी बराबर माइनस डी अपॉन सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी कॉमा सी इन इक्वेशन वन, कहाँ लगा दें? यहाँ ए की वैल्यू लगा दें, बी की वैल्यू लगा दें और सी की वैल्यू लगा दें। तो माइनस डी अपॉन ए एक्स माइनस डी अपॉन बी वाई माइनस डी अपॉन सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। माइनस डी कॉमन कर लें, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, हम डी को इस जीरो के बराबर भेज दें, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। दिस इक्वेशन इज नॉन एज इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, यानी कि ये इक्वेशन जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म यानी कि नॉर्मल फॉर्म में हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म में क्या है, वी नो दैट जर्नल इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम अब देखिए स्टूडेंट, हमको ये फॉर्म लिखनी है, ये तो जर्नल फॉर्म है। अब देखिए इसको हमने क्या करा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जीरो। ए वी और सी, ए बी सी, ये पी आर क्यू एल एम एन, एल एम एन। लेट ओ पी वी द ओ पी वी द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ओरिजन इन द प्लेन ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल एम एन
ऑफ ओ पी देन पी क्यू परपेंडिकुलर ओ पी यानी कि ये 90 डिग्री. सो ओ सो प्रोजेक्शन पी क्यू ऑन लाइन ओ पी, ओ पी बराबर पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए. ए यूनिट वेक्टर है, ए इज इक्वल टू एल आई एक्स प्लस एम जे प्लस एन के. ओ आर ओ क्यू होगा, सॉरी ओ क्यू, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ओ जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. देखिए स्टूडेंट्स, ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस जीरो आई प्लस वाई माइनस जीरो जे प्लस जेड माइनस जीरो के. तो ये जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओ क्यू इज इक्वल टू. तो स्टूडेंट ये वैल्यू यहां लगा दें, ओ पी बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एल आई प्लस एम आई प्लस एन सॉरी एन जे एन के, एक्स एल प्लस एम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड. ओ पी बराबर क्या, पी. सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द नॉर्मल फॉर्म of the plane. देखिए students, next condition. Reduce general equation of the plane into normal form. देखिए, we know that general equation of the plane ax plus by plus cz plus d बराबर जीरो नॉर्मल फॉर्म एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर टू, सो इक्वेशन
वन एंड इक्वेशन टू आर कंपेयर एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी बराबर माइनस पी अपॉन डी पी अपॉन डी। तो देखिए स्टूडेंट एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन वी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है वन। देखिए यहाँ क्या लग जाएगी वैल्यू वन। देखिए स्टूडेंट्स तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो एल बराबर प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम बराबर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन बराबर प्लस माइनस सी अपॉन एल सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और हमारी वैल्यू पी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू ऑफ डी यानी कि डी की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए हम डी को नेगेटिव न लेकर पॉजिटिव लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब ये क्या है आपके डायरेक्शन कोसाइन है किसके किसी जर्नल प्लेन लाइन की। तो देखिए स्टूडेंट दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन टू तो देखिए ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस वी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड माइनस वैल्यू वैलिड नहीं है प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू क्या है कॉमन है तो सो स्टूडेंट वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट जर्नल फॉर्म फाइंड हो गई। कहने का मतलब है यदि नॉर्मल फॉर्म से हम जर्नल फॉर्म रिड्यूस कर सकते हैं वेयर ए कमा वी कमा सी आर डायरेक्शन रेशियो। स्टूडेंट नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट देखिए लेट ए कमा वी कमा सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल
प्लेन,